ब्रेन में सबसे पहला जो मॉडल है वो होगा सैंडविच मॉडल। इस मॉडल को हम ट्रायलेमिलर मॉडल भी बोलते हैं। इस मॉडल को डैनियल और डॉसन ने 1935 में दिया था। इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई है। जो प्रोटीन होगा वो अल्फा ग्लोबुलर होगा और स्फेरिकल शेप का होगा। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथिक नेचर का होगा, मतलब उसके अंदर हाइड्रोफिलिक नेचर भी होगा और हाइड्रोफोबिक नेचर भी होगा, और जिसमें दोनों नेचर हम इसको बोलेंगे एम्फीपैथिक इन नेचर। फॉस्फोलिपिड जो है वो बाई लेयर में अरेंज है, यानी कि फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होगी, एक है ये वाली लेयर, एक है ये वाली लेयर। इसमें जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होंगे उनकी एंट्री होगी, लेकिन वाटर सोल्यूबल की नहीं होगी, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक नेचर होता है ये वाटर हीटिंग होता है, तो इसके अंदर वाटर की एंट्री नहीं होगी। जो गया प्रोटीन अल्फा ग्लोबुलर है, स्फेरिकल शेप का है, बाई लेयर है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर हैं, तो एम्फीपैथिक ही नेचर, और ये हो गया हमारा सैंडविच मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको भी हम ट्राइलेमिलर मॉडल बोलते हैं। मेम्ब्रेन मॉडल है ये जे रॉबर्टसन ने दिया था 1959 के अंदर। इसमें भी जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड की बनी है, लेकिन इसमें इन दोनों मॉडल्स के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि इसके अंदर तो प्रोटीन कौन सा होगा, बीटा फाइब्रस होगा, उसके अंदर कौन सा था, अल्फा ग्लोबुलर था। और वही है सेम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एम्फीपैथिक नेचर की होती है, जो अरेंजमेंट होता है फॉस्फोलिपिड का वो सैंडविच मॉडल की तरह सेम ही है बिल्कुल। और जो थिकनेस है वो इसमें बता दी गई है, जो कि 75 एमस्ट्रॉन्ग और 100 एमस्ट्रॉन्ग, और जिसमें जो प्रोटीन है उसे फाइब्रस नेचर का इस तरीके से ड्रॉ करके बता दिया है, उसमें था स्फेरिकल इन शेप, बाकी बिल्कुल सेम होगा। ये भी फैट को अंदर एंट्री देगा लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स को नहीं देगा। और अगर हम सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दोनों में बेस्ट अगर पूछा जाए तो होता है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ज़्यादा बेस्ट माना जाता है सैंडविच मॉडल से।